वेलकम बैक दिस इज पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर फर्स्ट दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग ठीक है तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ठीक है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है उनके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब क्या होता है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गैसेज कैन बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर गैस क्या हो सकती है लिक्विफाई होगी जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे रिड्यूस करना मतलब कम कर देंगे तब ठीक है वेन हाई प्रेशर इज अप्लाईड टू अ गैस जब एक गैस के ऊपर ज्यादा हाई टेम्परे हाई जो प्रेशर है वो अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी कंप्रेस हो जाएगी एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड और अगर टेम्परेचर को भी साथ में कम कर देंगे तो गैस क्या हो जाएगी लिक्विफाई हो जाएगी ठीक है हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस क्या हो जाएगी कंप्रेस और हाई टेम्परेचर अप्लाई सॉरी टेम्परेचर अगर लो कर देंगे तो गैस क्या हो जाएगी आपकी लिक्विफाइड हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड सीओ टू है उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं वाई ठीक है तो इसका रीजन देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियर स्टेट ठीक है ओन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू वन एटमोसफेयर ठीक है जो भी नॉर्मल प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देंगे हम वन एटमोसफेयर के इक्वल तो क्या है आपके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किसी में गैस या स्टेट में विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट ठीक है लिक्विड स्टेट में आने के बिना ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट गैस में सॉलिड कन्वर्टेड इन टू गैस ठीक है दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस यही रीजन है कि जिसके कारण सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है ड्राई आइस भी बोलते हैं ठीक है अब आपको समझ में आया कि जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे वन एटमोसफेयर के इक्वल तो आपके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट चेंज हो जाएगी किस में गैसीय स्टेट में और क्या लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आएगी इसी रीजन के कारण क्या है जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या है ड्राई आइस भी बोलते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज इवेपोरेशन ठीक है इवेपोरेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैस ठीक है इवेपोरेट हो जाना भाव बन के उड़ जाना ज्यादा देर तक हम पानी को उबालते हैं तो क्या धीरे धीरे पानी कम होना लग जाता है और जो भाव है वो क्या है एटमोसफेयर में चली जाती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन उसके अंदर वेपर से बंधे इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं वेपोराइजेशन में और इवेपोरे में ठीक है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए इबस्टांस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ठीक है उसके बॉयलिंग पॉइंट से कम कोई भी टेम्परेचर पे ये फिनोमिना हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना की ये क्या है सरफेस फिनोमिना है कैसे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन इसके अंदर हम क्या ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सरफेस फिनोमिना कैसे हैं। डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को फर्स्ट फैक्टर क्या है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ लिक्विड लिक्विड का जितना भी सरफेस एरिया ज्यादा होगा इतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है ज्यादा होगा जितना बड़े पतीले के अंदर आप पानी उबालोगे तो उतनी जल्दी क्या है वो पानी उबल जाएगा इसलिए वेपोरेशन हो गया बोलते हैं सरफेस फिनोमिना क्योंकि वेपोरेशन क्या है डायरेक्टली डिपेंड करता है किसी पे सरफेस एरिया पे रेट ऑफ रेट ऑफेपोरेशन ज्यादा होगा जब सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा द नेक्स्ट फैक्टर इज द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा ये भी क्या है डायरेक्टली डिपेंड करता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी में क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा जिसके कारण ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा ये क्या है इनवर्सली डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेक्स्ट एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ठीक है तो रेट ऑफ जो आपके विंड की स्पीड है उसको क्या है इंक्रीज करेंगे तभी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है इंक्रीज होएगा तो ठीक है रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के तीन मेथड कौन से सरफेस सफेसि इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और विंड की स्पीड को इंक्रीज करेंगे तब क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा और हम ह्यूमिडिटी को जब डिक्रीज करेंगे तब क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा ठीक है दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इवेपोरेशन विद द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ठीक है नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन कॉज कूलिंग ठीक है इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है ठंडक कैसे होती है देखो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ठीक है जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सराउंडिंग से अपने चारों तरफ से क्या करते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन इवेपोरेशन के टाइम जो एनर्जी खत्म हो गई थी उसको वापस से रीगेन करने के लिए क्या करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहते हैं दिस एब्जॉर््शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल cool, ठीक है और इसी एब्जॉर्प्शन के कारण क्या है जो आपकी सराउंडिंग है वो क्या हो जाती है कूल cool हो जाती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा लेटली बाद में साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है अब तक हमने कितने स्टेट्स पढ़ी थी थ्री स्टेट्स पढ़ी थी सॉलिड लिक्विड एंड गैस ठीक है बाद में उन्होंने क्या बताया कि फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर हैं और फाइव फेजेस ऑफ मैटर हैं कौन कौन से दीज आर सॉलिड लिक्विड गैस ये हमें पता है नेक्स्ट है प्लाज्माज एंड द बोर आइंस्टाइन ठीक है ये दोनों नई स्टेट है आपके लिए ठीक है आप पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा क्या होता है द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स ठीक है फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट ठीक है ऐसे पार्टिकल्स हैं वो सब किसमें आते हैं प्लाज्मा में ठीक है वो पार्टिकल जो क्या है सुपर एक्साइटेड है प्लस सुपर एनर्जेटिक है दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड Gases और ये पार्टिकल्स है किसके फॉर्म में है गैसेज की आयनाइज फॉर्म के अंदर है ठीक है ये होते कहां पे हमें कैसे मिलेंगे द फ्लोरोसेंट ट्यूब ट्यूब जो आपकी लाइट होती है घर पे फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं उसके अंदर होते हैं एंड न्यून साइन बल्ब के अंदर क्या होता है प्लाज्मा स्टेट मिलती है ठीक है नेक्स्ट स्टेट है आपकी बोर आइंस्टाइन कंड इंडियन फिजिक्स सत्येंद्रानाथ बोस मेरा स्टडी रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ठीक है एक इंडियन के फिजिक्स थे सत्येंद्र नाथ बोस उन्होंने क्या किया फिफ्थ जो आपकी स्टेट ऑफ मैटर है उसके बारे में कुछ स्टडी की ठीक है बेस्ड ऑन ही स्टडी एल्बर्ट आइंस्टाइन अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ठीक है उनकी स्टडी को दोबारा से देखा गया उनके काम को किसने देखा वो सब एल्बर्ट आइंस्टाइन और फिर उन्होंने भी बताया कि हाँ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है एग्जिस्ट करती हैं तभी उसको क्या बोला गया उस स्टेट को कॉल्ड द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ठीक है जो बोस साइंटिस्ट थे उनका एक नाम एक उनका क्या है आइंस्टाइन है उनके नाम में से एक नाम और उसको क्या बोल दिया कंडेंसेट तो बीई सी e, बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में तो सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कंड आर द फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है द बीई सी इज फोर्म्ड बाय ये बनती कैसे है बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लोअर टेम्परेचर ठीक है कोई गैस है जिसकी खुद की इंटेंसिटी क्या काफी लो है और उसको सुपर लो टेम्परेचर तक क्या करेंगे जब हम कूल करेंगे तब क्या बनेगी वो साइंसटाइन कंड ठीक है नेक्स्ट है आपका सब इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऊपर तक क्या है आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है नेक्स्ट क्या है आपके कुछ यूनिट्स या कुछ मेजरमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है किलोग्राम पता है हमें केजी वॉल्यूम की क्या होती है क्यूबिक मीटर ऊपर थ्री आ गया और एम नीचे एम इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक मीटर बोलेंगे इसको ठीक है द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम ये तो क्या था स्टैंडर्ड यूनिट थी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट थी ठीक है और कॉमन यूनिट है जो हम लोकली यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए वो क्या है लीटर तो एक लीटर किसके इक्वल होता है वन डेसीमीटर मीटर क्यूबिक की एक लीटर इक्वल हो सकता है वन थाउजेंड एम के और वन एम इक्वल होता है वन सेंटीमीटर क्यूबिक के ठीक है ये आपको इतना सिर्फ एक बार बेसिक याद रखना है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट दैट इज कैलविन और सेल्सियस कैल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर ठीक है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर के ऐसा यूनिट क्या है दैट इज कैल्विन ठीक है कैलविन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इसमें जीरो डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स कैलविन फोर कन्वीनियंस कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलियत या इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को क्या करते हैं वी टेक जीरो सिक्स को क्या कर देंगे इसमें डिलीट कर देंगे कट कर देंगे आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल डेसिमल से पहले वाला जो वर्ड अगर वो डिजिट है अगर ये फाइव से कम हो तो क्या कर देते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या है वन सिक्स है पॉइंट वन सिक्स है ये सोलह नहीं बोलेंगे इसको ये क्या है पॉइंट वन सिक्स ठीक है तो इसको तो फाइव होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा तो इसलिए इसको क्या कर दें यहां से डिलीट कर दें आप अगर कैलकुलेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहते हो तो आप वन सिक्स का यूज कर सकते हो नो नो डाउट उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें थोड़ी आसानी चाहिए तो क्या आप सीधा टू सेवेंटी थ्री कैलविन भी यूज कर सकते हो ठीक है अब क्या है टेम्परेचर कई के बार कैलविन में मिलता है कई बार सेल्सियस में मिलता है तो उन दोनों को आपको इंटर कन्वर्ट करना है और एक दूसरे के अंदर बदलना है चेंज करना है तब आप कैसे करोगे देखिए टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन द कैल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल ठीक है कोई टेम्परेचर आपको कैलविन स्केल में दे रखा है और आपको उसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है तो आप क्या करोगे सब कर दोगे उसमें से टू ठीक है एंड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू कैलविन स्केल अगर ऊपर वाले का उल्टा करना है कि कोई टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से कैलविन स्केल में करना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा 273 ठीक है उसके लिए एक फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो या एक सिंपल से लीनियर इक्वेशन है कि टेम्परेचर है टी फोर टेम्परेचर यहाँ पे क्या डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में इज इक्वल टू टेम्परेचर इन कैलविन माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स अभी मैंने वन सिक्स के बारे में आपको पहले बताया था कि आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नेक्स्ट है आपका एटमोसफेयर मैंने बार बार बोला था ना वन एटमोसफेयर वन एटमोसफियर अब वन एटमोसफेयर होता क्या है या रूम टेम्परेचर ये सब क्या है देखते हैं वन इज यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर ठीक है एटमोसफेयर क्या है प्रेशर को मेजर करने के यूनिट है एग्जर्टेड बाय गैस की कोई गैस है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको मेजर कैसे करते हैं एटमोस्फियर में द दसाइन सॉरी द यूनिट ऑफ प्रेशर इज

इन टमोस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमोस्फेयरिक प्रेशर ठीक है कोई भी एयर है उसका प्रेशर एटमोसफेर के अंदर उसको क्या बोलेंगे एटमोसफेरिक प्रेशर 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 एट सी सी लेवल लेवल इज वन पे कितना होता है वन एटमोसफेयर इक्वल होता है एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमोसफेयरिक प्रेशर उनको क्या बोलते हैं नॉर्मल एटमोसफेरिक प्रेशर भी बोलते हैं ठीक है अब नेक्स्ट है आपके लिए असाइनमेंट्स ठीक है ये आपके डिफरेंट टाइप के टेन क्वेश्चन है जो आपको इंटर कन्वर्ट करने हैं पहले में आपको टेम्परेचर वो कैलविन में दिया हुआ है आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और सेकंड है जिसके अंदर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है आपको कैलविन में कन्वर्ट करना है ठीक है तो ये सब आप अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे एक बार रिवीजन करने के लिए ट्राई करने के लिए ठीक है इसके लिए फॉर्मूला यूज कौन सा होगा यही जो मैंने ऊपर भी करवाया था आपको ठीक है अब अगर किसी बच्चे को डाउट है कि मैम वो क्वेश्चन नहीं होंगे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ यही फॉर्मुला था जो हमने लिखा था टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन कैलविन माइनस टू सेवेंटी थ्री ठीक है क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट करना है टू नाइनटी एट कैलविन को किसके अंदर सेल्सियस के अंदर तो टेम्परेचर में दिया हुआ हमें कैलविन में ठीक तो है तो डिग्री सेल्सियस एस ये हमने सबसे पहले फॉर्मुला लिखा डिग्री सेल्सियस एज इट इज लिखा टेम्परेचर किसमें है कैलविन में तो यहाँ कैलविन वाली जगह कितना लिख दिया टू नाइनटी एट माइनस टू सेवेंटी थ्री एज इट इज लिखा फिर टेम्परेचर लिखा इन दोनों को माइनस कर दे कितना आंसर आया ट्वेंटी फाइव और ये डिग्री सेल्सियस हम यहाँ ले आए तो इसका आंसर कितना आया टेम्परेचर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है तो टू नाइनटी एट कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस के ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट है आपको कोई टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और आपको कैलविन के अंदर कैलकुलेट करना है तो इसलिए क्या करोगे आप Temperature किस में है डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा और ये क्या माइनस टू सेवेंटी थ्री अब ये माइनस टू सेवेंटी थ्री का यहाँ पे कोई यूज नहीं है तो इसको क्या ले जाएंगे हम दूसरी साइड ले जाएंगे यहाँ पे माइनस का इधर आके क्या हो गई? प्लस का ठीक है तो ये फोर्टी प्लस टू सेवेंटी थ्री इज इक्वल टू टेम्परेचर इन कैलविन एज इट इज ठीक है समझ में आ गया इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 313 वन ठीक है ये के यहाँ पे अगर ये टेम्परेचर यहीं पे रहा गया तो क्या हुआ कम, जब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस को तो उस टाइम क्या करेंगे 273 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और जब हम टेम्परेचर कन्वर्ट करेंगे सॉरी जब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो माइनस कर देंगे 273 यही बात मैंने आपको पहले बताए थे ठीक है इसके बाद जब आप, आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चन करोगे जो लास्ट पेज पे है तब आपको क्या है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है दीज आर द यू हैव डू इन योर नोटबुक दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप यू हैव लर्न द लॉट इफ यू इंजॉय द वीडियो देन लाइक इट शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू ड्रीम नॉलेज फॉर मोर फ्रेश कंटेंट थैंक यू